वंदे मातरम साथियों, मैं अतुल दुबे स्वदेशी भारत अभियान से। अगर आपने हमारा पहला वीडियो देखा होगा तो उस वीडियो में हमने संस्कार शाला से संबंधित बातें की हैं, कैसे गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था गांव-गांव तक पहुंचे उस पर बातें की हैं। ये जो वीडियो हमारा है इसमें हम जो पाठ्यक्रम अब बनाना हमने शुरू किया है संस्कार शाला के लिए, देखिए 50 दिन का हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं और 50 दिन मतलब एक दिन का 2 से 4 घंटा होगा और इस 50 दिन के पाठ्यक्रम को हम सभी जो भी संस्कार शाला चलाएंगे उनको दे दिया जाएगा और वो महीने में एक दिन दो दिन जितना भी समय दे सकते हैं अपने गांव में अपने क्षेत्र में मोहल्ले में संस्कार शाला चलाएंगे। तो ये पूरी हमारी जो आगे की पूरा एक हमारा योजना बना है। अब हमने जो संस्कार शाला में हम जो पाठ्यक्रम बना रहे हैं इसको हमने 5 भागों में बांटा है, यानी कि जो 2 घंटे होंगे वो 5 भागों में बटे होंगे। पहला प्रार्थना है जिसमें हम प्रार्थना कराएंगे, सरस्वती वंदना से लेके तमाम मंत्र हो गए श्लोक हो गए वो पढ़ाया जाएगा सिखाया जाएगा बच्चों को। और दूसरा भाग आता है योग आसन आसन प्राणायाम, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तीसरा क्रांतिकारियों की जीवनी, यानी हर महीने में किसी न किसी क्रांतिकारी का जीवन मतलब जन्मतिथि आता है और कोई ना कोई पर्व आता है हर महीने में, तो उस जिस महीने में जो भी पर्व आएगा जो भी क्रांतिकारी का जन्मतिथि आएगा उनसे संबंधित जो भी बातें होंगी प्रेरक कहानियाँ, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को बताएंगे, अलग अलग तरीके से उनको बताया जाएगा। तो ये तीसरा बिंदु हो गया। चौथा बिंदु हमारा है एक्टिविटी, यानी कि पाठ्यक्रम संबंधित गतिविधियाँ हम करेंगे, जैसे आपका पेपर कटिंग हो गया, पेपर कटिंग करके अलग अलग चीज़ें बच्चे बना रहे हैं, या फिर कला के जरिए संगीत के जरिए और मिट्टी से बर्तन बनाना या मिट्टी के खिलौने बनाना, वो सारी चीज़ें बच्चे करेंगे तो इससे क्या होगा उनका बौद्धिक विकास होगा। और पांचवा खेल, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खेल के माध्यम से भी बच्चों को सिखा सकते हैं। एक बात हम आपको बता दें कि ये जो पाठ्यक्रम हम तैयार कर रहे हैं ये 3 साल से लेकर 7 साल के बच्चों के लिए हम तैयार कर रहे हैं और संस्कार शाला 3 से 7 और 7 से 12 इस तरीके से लोग आ सकते हैं उसमें, यानी बच्चे आ सकते हैं। देखिए हमारा उद्देश्य है बच्चों का समग्र विकास। समग्र विकास क्या है इसके ऊपर हम आगे एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरा विस्तार से बताएंगे। देखिए हम जो शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं उसमें बच्चा उस शिक्षा व्यवस्था से पढ़ के निकले तो एक हाथ में उसके वेद हो तो दूसरे हाथ में लैपटॉप, हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था तैयार करना चाहते हैं। यानी जो आज की अच्छाइयाँ हैं वो भी बच्चे को मालूम होना चाहिए और जो हमारी पुरानी अच्छाइयाँ थीं जो हमें जानना ज़रूरी है वो भी हमारे बच्चों को मालूम होगा। यानी कि जो हमारे संस्कार शाला से लेकर गुरुकुल से निकला हुआ बच्चा जब कॉन्वेंट बच्चों के सामने खड़ा होगा तो वो पीछे नहीं होगा, उसके पास कॉन्वेंट के जो लोग जानते हो उससे ज़्यादा जानकारी होगा। इस तरीके से हम शिक्षा व्यवस्था अपना बनाएंगे। संस्कार शाला तो एक ट्रेलर होगा जो आपको दिखाया जाएगा। मजबूरी हमारी है इस पर कि हम जल्दी अब इस पर काम करना चाहते हैं क्योंकि मेरी बच्ची 4 साल की हो चुकी है। अब हम उसको शिक्षा के लिए हम उसको किसी न किसी हिंदी प्राइमरी स्कूल में भेज सकते हैं सरकारी विद्यालय में। और हमारे जयशंकर भाई बनारस से हैं जो इस वक्त स्वदेशी भारत अभियान के राज्य प्रभारी हैं, उन्होंने बड़े कॉन्वेंट स्कूल से अपने बच्चे को निकाल कर प्राइमरी में अपने गांव के प्राइमरी में डाला है। तो इसलिए अब ये पाठ्यक्रम बनाना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम रिस्क ले रहे हैं बच्चों के साथ तो हमें वो शिक्षा व्यवस्था बनानी भी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ कहने से कुछ होने वाला है नहीं, हमें तो करना पड़ेगा। इसलिए हम ये अगले 3 महीने के अंदर ये पाठ्यक्रम तैयार करेंगे और हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि अपना सुझाव इन 5 बिंदुओं पे, जो भी आपका सुझाव होता है उससे संबंधित कोई वेबसाइट है किताबें हैं वो सारी चीज़ें आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, फ़ोन कीजिए, मेल कीजिए, जैसे भी करके हम तक पहुँचाइए जिससे हम अगले 3 महीने पर इससे अच्छे से अच्छा पाठ्यक्रम हम बना सकें। हमारा नंबर है 8291736188। मेल आईडी है swadeshibharatabhiyan@gmail.com या atuldube89@gmail.com। ये दोनों मेल आईडी है, ये हमारा नंबर है, इस पर कृपया अपना सुझाव मार्गदर्शन हमें भेजिए। और अगर आप संस्कार शाला चलाना चाहते हैं तो भी आप हमें अपना नाम नंबर हमें अपना नाम और जिला हमें हमारे मोबाइल पे भेजिए तो हम आपसे संपर्क करेंगे। बाकायदा आपको पाठ्यक्रम दिया जाएगा और आपका एक समय के बाद आपका प्रशिक्षण भी होगा, ट्रेनिंग भी होगी कि आपको संस्कार शाला कैसे चलाना है, कैसे बच्चों के साथ आपको रहना है, कोई किसी न किसी विशेष और ये हम प्रशिक्षण करवाएंगे जो भी संस्कार शाला चला रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप इसमें आगे आएँ और इस राष्ट्र को एक शक्तिशाली भारत बनाने के लिए हमारा सहयोग दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे, इस मिशन में आप हमारा साथ दे रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, डाउनलोड कीजिए, फिर शेयर कीजिए, YouTube का लिंक है, शेयर कीजिए, जैसे भी करके मैसेज पहुंचना चाहिए।
इसी के साथ बस इतना ही, अगले वीडियो में हम समग्र विकास क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।